हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशंस और उसमें हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने क्वेश्चन जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक, ठीक है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब एक दो वीडियो में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। चलिए दोस्तों, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको इग्नोर मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है रूट में 1 + x, 1 - x dx। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दिखे तो थोड़ा सा इसको क्या कर लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए, 1 + x अलग लिख लीजिए और यहाँ पे 1 - x अलग लिख के dx। अब इसके क्या, इस ऊपर वाले पार्ट को देखिए, 1 + x है, उसी के कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे सेम से क्या कर लीजिए, अंश और हर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच जाएगा 1 + x, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 - x² dx। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 1 - x² dx + x / √1 - x² dx। ठीक है, अब यहाँ तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, ये तो ऑलरेडी साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है, दूसरा आपको दूसरा बन नहीं रहा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, t। चलिए 1 - x² = माने t, यहाँ आ गया -2x dx = dt। ठीक है, यहाँ 2x dx = -dt आ गया। अब ये देखिए 2x dx क्या हो गया, -dt। चलिए पुट कर देते हैं, अब ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x, और यहाँ पे क्या हो गया, +1/2। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -dt और यहाँ पे रूट में t। ठीक है, कुछ इस तरीके से चेंज, क्योंकि यहाँ हमने 1 - x² को क्या मान लिया, t, और यहाँ 2x dx के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, -dt। अब तो 1 power n का बन गया x power n वाला फार्मूले पे, तो साइन इनवर्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 sin inverse x - 1/2 में हो जाएगा और यहाँ पे t ऊपर चला जाएगा तो -1/2 dt। अब यहाँ पे अप्लाई करें, इंटीग्रेशन कर दीजिए आराम से, यहाँ पे -1/2 t के पावर ये हो जाएगा t 1 - 2 + 1 / -1/2 + 1 + c। चलिए आगे देखते हैं, sin inverse x - 1/2, अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो t^(1/2) बचेगा और यहाँ पे 1/2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू हमने क्या माना, 1 - x², तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा sin inverse x - √1 - x² + c, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कुछ डाउट रहे तो आप जरूर हमसे डिस्कस करिए, कमेंट करिए। क्वेश्चन दिया है दूसरा हमारा, e^(x - sin x) / e^(x + cos x dx। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, e^(x - sin x) e^(x + cos x dx) एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको देखिए, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। यहाँ e^(x + cos x) को क्या मान लेंगे, t। अब इसका इंटीग्रेशन e^(x cos x - sin x dx = dt। अब देखिए ऊपर का पार्ट, ये क्या, e^(x - sin x dx) क्या हो जाएगा, dt। चलिए यहाँ पे dt/t, तो ये क्या है, किसकी फॉर्मूला है, log का, तो यहाँ आ जाएगा log, इंटीग्रेशन करेंगे t + c। अब t क्या माने है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो log यहाँ पे आ जाएगा e^(x cos x cos x + c, ये आपका आ जाएगा फाइनल
आंसर, इस तरीके से आप फाइंड आउट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्वेश्चंस के टाइप देख रहे हैं, आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमारे जो बताए हुए टाइप से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट लगा सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है log रूट में x प्लस वन अपान में x प्लस वन dx, ये हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा log का मतलब रूल अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए अब यहाँ पे हम log इस चीज को x प्लस वन को वन बाई टू लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, x प्लस वन ये ऑलरेडी था, ठीक है, ये आ गया। अब ये अगर हमारा होता है ना log, यहाँ पे अगर कुछ रहता है log x के पावर x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x log x लिख लेते हैं, इसी तरह ये क्या करेंगे यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई टू बाहर, तो ये बच जाएगा log यहाँ पे x प्लस वन अपान में x प्लस वन dx, ठीक है। अब तो आसान हो गया क्वेश्चंस, बहुत ही इजी से आप कर सकते हैं। अब देखिए log क्या करेंगे, log 1 x प्लस वन को हम क्या मान लेंगे t, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वन नीचे आ जाएगा, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। अब इतना बराबर हमारा देखिए यहाँ पे क्या है dt, तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 बाई टू को बाहर रखिए, ये क्या मान लिए हैं t, और इतना बराबर क्या हुआ dt, ठीक है। तो t का हम क्या कर ले हैं इंटीग्रेशन 1 बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपान में 2 प्लस c, अब यहाँ पे 2 टू 4, 1 बाई 4, t के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, चलिए रख देते हैं log x प्लस 1, ठीक है, अपान में क्या है, ये तो 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस c, तो ये आपका आ जाएगा क्या फाइनल आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करती है आपको तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।